लोकसभा चुनाव के बीच अब फिर से अपना दल में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां कृष्णा पटेल की पार्टी को बैन करने की मांग की है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग अब इसकी जांच कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का आरोप है कि सोनेलाल के नाम से उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है और ऐसे में उस नाम का इस्तेमाल कृष्णा पटेल कर रही है जो गलत है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि अपना दल पार्टी का नाम चिन्ह और झंडे का इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। तो पटेल परिवार में फिर छिड़ी वर्चस्व की जंग। अनुप्रिया पटेल ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग जांच में जुट गया है। दरअसल उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल ने मां के ही खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है और ये पहले भी उनकी लड़ाई अक्सर देखने को मिली थी और इसी वजह से दो पार्टियां हुई थी, अपना दल में दो फाड़ हो गई थी, लेकिन अब अपनी मां कृष्णा पटेल की पार्टी को ही बैन करने की मांग रखी गई है अनुप्रिया पटेल की तरफ से। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का आरोप है कि सोनेलाल के नाम से उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे में उस नाम का इस्तेमाल कृष्णा पटेल कर रहे हैं जो गलत है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि अपना दल पार्टी का नाम चिन्ह और झंडे के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। तो चिन्ह और झंडे के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, जो चुनावी चिन्ह है उनका, उस पर रोक लगनी चाहिए। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विशाल, लोकसभा चुनाव के बीच में फिर से अपना दल में वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। देखिए बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो इतने सालों से लड़ाई चली आ रही है वो एक बार फिर से छिड़ते हुए दिखाई पड़ रही है और यही वजह है कि अभी फिलहाल अनुप्रिया पटेल ने एक लेटर लिखा है चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि जो उनकी मां की पार्टी जो है उसको बैन किया जाए, चूंकि दोनों लोग ही अपना दल के नाम से पार्टी चलाते हैं। बस फर्क ये है कि जो अनुप्रिया पटेल है वो अपना दल के आगे सोने का लगाती है, उसके पिता का नाम है, साथ ही साथ अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कृष्णा पटेल वो उसके आगे कृष्णा गुट लिखती है। हालांकि अभी भी लड़ाई चल रही है और लगातार इस बात को लेकर संघर्ष चलता रहता है कि किसका जो है स्वामित्व है, किसका अस्तित्व है। तो विशाल विशाल, जो शिकायत दी गई थी चुनाव आयोग में, क्या जो खबर है कि जांच शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग से शिकायत की है, उस पर जांच चल रही है, क्योंकि जांच अभी प्राइमरी स्टेज पर है, क्योंकि पिछली जो तमाम डॉक्यूमेंट थे उन सब का पूरा ब्यौरा अपना दल ने दिया है। ऐसे में अपना दल की तरफ से अनुप्रिया पटेल ने ये एक चिट्ठी लिखी है। हालांकि अभी पक्ष लिया जाए कृष्णा पटेल से भी कि आखिरकार उन्होंने अगर बैनर पोस्टर यूज किए हैं या नाम यूज किया है तो कहां पर और किस विषय में जो है ये यूज किया गया है, इन सब चीजों का पूरा ब्यौरा पहले जमा किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में कोई एक्शन ले, लेकिन प्रारंभिक जांच शुरू हुई है और जी बिल्कुल चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि कृष्णा पटेल से चुनाव आयोग भी पूछताछ करेगा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं अनुप्रिया पटेल की तरफ से वो कितने सही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल।